माता पिता पर पुत्री का जबरन गर्भपात करवाने का आरोप विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों ने कराया मामला दर्ज। एसडी कॉलेज के स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलने से मची अफरा तफरी, अजमेर पुलिस कंट्रोल रूम में भी मचा हड़कंप। भाजपा के दंड सहित प्रक्रिया में बदलाव के कानून को दी काले कानून की संज्ञा, कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिया राज्यपाल के नाम ज्ञापन। और दीपावली पर्व के बाद शहर में शुरू हुआ स्नेह मिलन समारोह का दौर, विभिन्न संगठनों व समाजों की ओर से मनाया गया स्नेह मिलन। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपसे मुखातिब हूं मैं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को वसुंधरा सरकार द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव को लेकर लाए जा रहे काले कानून का पुरजोर विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वसुंधरा राजे की सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए भ्रष्टाचार को संरक्षण देने हेतु थोपे गए काले कानून को असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी पुरजोर निंदा एवं भत्सना की है तथा इसे वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि अचानक बड़े नौकरशाहों के एवं जनप्रतिनिधियों के माननीय उच्च न्यायालय में हुए आपराधिक कारनामों के भंडाफोड़ के अपराध बोध से ग्रसित होकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव लाने तथा न्यायालय, प्रेस एवं आम आदमी की अभिव्यक्ति के मौलिक तथा कानूनी अधिकारों की हत्या करने जैसा असंवैधानिक व जन विरोधी कृत्य किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर इस काले कानून को अविलंब वापस लेने की मांग करते हैं। इस गांव गाफा व चरपला के ग्रामीणों की समस्याओं से भी एसडीएम को अवगत करवाया गया। इस दौरान सदस्यों ने गांवों में संचालित अवैध शराब के ठेकों को बंद करवाने की मांग की तथा बस सेवा को जल्द वापस शुरू करवाने की भी मांग की। इस दौरान उन्होंने इस मामले में सांसद विधायक से की गई मुलाकात के बारे में भी एसडीएम को अवगत कराया। ज्ञापन देने वालों में गुलाब चंद शर्मा, राधा वल्लभ माहेश्वरी, एडवोकेट नीलेश बुरट, महेश शर्मा तथा बाबू चीता सहित कई सदस्य उपस्थित थे। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित एसडी कॉलेज प्रशासन की ओर से सोमवार को महाविद्यालय के स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलने तथा रूम के भीतर से बदबू आने की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम अजमेर पर देने के बाद जिला पुलिस में हड़कंप मच गया। जिला पुलिस ने ब्यावर सिटी थाना पुलिस को मामले से अवगत कराते हुए शीघ्र ही एसडी कॉलेज पहुँचने के निर्देश दिए। जानकारी पर सिटी थाना प्रभारी यशवंत यादव मय टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा महाविद्यालय के व्याख्याताओं की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत के बाद बंद स्टोर रूम का दरवाजा खुलवाया तथा भीतर से जांच की तो सब कुछ सामान्य पाया, तब कहीं जाकर महाविद्यालय प्रशासन तथा पुलिस ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि एसडी कॉलेज में अनुपयोगी सहित अन्य सामान को रखने के लिए एक स्टोर बनाया हुआ है। सोमवार को रूम से कुछ सामान निकालना था लेकिन रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था, साथ ही कमरे से बदबू भी आ रही थी। स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलने पर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 100 नंबर पर दी गई, जिससे जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि स्टोर रूम का दरवाजा काफी पुराना हो गया था तथा हवा के दबाव के कारण जोर से बंद हो गया था, शायद इसी के कारण सुबह खुल नहीं पाया। सोमवार को घटित घटनाक्रम के दौरान एसडी कॉलेज के उपाचार्य आरसी लोढ़ा, प्रोफेसर जेडी काठार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। समीपवर्ती ग्राम झाक मात की बाड़िया निवासी एक विवाहिता का परिजनों द्वारा घर पर ही गर्भपात करवाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले की जानकारी मिलने पर विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता और उसके माता पिता पर अवैध रूप से गर्भपात कराने तथा और उसे कहीं और नाते भेजने के प्रयास को लेकर अवैध रूप से गर्भपात करवाने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस के एएसआई नूर मोहम्मद ने आरोपियों के घर पर छिपा कर रखे
भ्रूण को कब्जे में लिया और राजकीय अमृत कौर अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। सोमवार को पुलिस ने भ्रूण का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जांच की दिशा तय होगी। हालांकि पुलिस ने विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर घर पर अवैध रूप से गर्भपात करवाने से विवाहिता की स्थिति बिगड़ गई, जिसे परिजनों ने ब्यावर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ से उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार समीपवर्ती ग्राम नानना निवासी आलू काठात ने सदर थाने में शिकायत देकर बताया कि उसके पुत्र नैना काठात की शादी करीब एक साल पूर्व झाकबाड़िया मात के निवासी बींजा काठात की पुत्री फरीदा उर्फ भूरी से हुई। उसका पुत्र नैना दिल्ली में कमाने चला गया। आलू का आरोप है कि भूरी के परिजन पहला प्रसव पीहर में कराने की परंपरा के चलते उसे लेकर चले गए। आलू ने बताया कि इससे अक्टूबर को जब वह अपने पुत्र वधु से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा तो जानकारी मिली कि उसके परिजनों ने उसे अवैध गर्भपात वाली दवाई खिलाकर गर्भपात करवा दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गर्भपात के बाद बच्चे को दफनाने का प्रयास भी किया। उसके पहुंचने पर आरोपियों ने भ्रूण को घर में छिपा कर रखा था और फरीदा को उदयपुर रोड स्थित पार्श्वनाथ अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया। आलू काठात का आरोप है कि भूरी के परिजन बींजा और लीला ने उसे किसी दूसरे स्थान पर नाते भेजने के लिए यह षड्यंत्र रच रहे हैं। आलू ने बींजा और उसकी पत्नी लीला पर फरीदा के गर्भ में पल रहे नवजात की हत्या कर उसका शव दफनाने का आरोप लगाया है। सोमवार को भ्रूण का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। देश भर में जीएसटी लागू होने के बाद आ रही परेशानियों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की ओर से सभी सांसद विधायकों को क्षेत्र में व्यापारिक संगठनों से सुझाव प्राप्त करने के निर्देश के बाद राजसमंद सांसद हरिओम सिंह राठौर तथा विधायक शंकर सिंह रावत ने रविवार को सेंद्रा रोड स्थित अशोक पैलेस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के सर्राफा संघ, ब्यावर टैक्स एसोसिएशन, वूल मर्चेंट एसोसिएशन, माइनिंग एसोसिएशन, ब्यावर लघु उद्योग संघ तथा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों ने सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा इसे सरल बनाने के लिए सुझाव दिए। इस मौके पर सांसद तथा विधायक ने व्यापारिक समस्याओं तथा सुझावों को नोट करते हुए शीघ्र ही इनका समाधान करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में सभापति अभिता चौहान, मंडल अध्यक्ष जयकिशन बल्दुआ, दिनेश कटारिया, उपसभापति सुनील मुंत्रा, मुख्य सचेतक रविंद्र जॉय, ईश्वर तंवर, नरेश कनौजिया, मंगत सिंह मोनू, सोहन लाल, अंगद राम अजमेरा, लेखराज कंवरिया, कौशल्या तुनगरिया, सर्राफा संघ के नेमी चंद, मनीष कांकरिया, सुनील जेतलिया, ब्यावर टैक्स एसोसिएशन के बीएम व्यास, नवरत्न ओस्तवाल, निर्मल मेहता, प्रवीण मुथा, अखिलेश मुंद्रा, वूल मर्चेंट एसोसिएशन से बाबूलाल नाबेड़ा, माइनिंग एसोसिएशन से राधावल्लभ माहेश्वरी, ब्यावर लघु उद्योग संघ से आशीष पाल पदावत, दिनेश भुतरा, विजय हेड़ा सहित चिकित्सा क्षेत्र से नरेंद्र आनंदानी सहित अन्य व्यापारिक संगठन के लोग मौजूद रहे। शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित बसिटा समाज भवन में जोशी समाज की ओर से समाज के बुजुर्गों व प्रतिभाओं के अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के आराध्य देव गोगा जी महाराज के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर वे दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान समाज के 21 बुजुर्गों का माला पहनाकर वे शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस दौरान समाज में बोर्ड की परीक्षा में 75% अंक से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली पूजा जोशी, पुत्री भरत कुमार जोशी सहित 11 प्रतिभावान बालिकाओं को भी प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जोशी समाज के नवयुवक मंडल का भी गठन किया गया, जिसमें उपस्थित समाज के गणमान्य लोगों ने आशीर्वाद देकर सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान नवगठित जोशी नवयुवक मंडल की ओर से समाज में प्रोत्साहन राशि 11,001 देकर हौसला बढ़ाया गया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने समाज से कुरूतियों को दूर करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज में जागरूकता लाने तथा समाज की बेटियों की शिक्षा पर जोर देने पर जोर दिया। इन वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का सर्वांगीण विकास होगा।
राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा ब्यावर के कर्मचारियों का दीपावली स्नेह मिलन समारोह एसडी कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें उपखंड के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संघ की जिला कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन किया गया। संघ जिला अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, मंत्री केदार सिंह कर्नाट ने बताया कि नवगठित कार्यकारिणी में संरक्षक पद पर मोतीलाल चोरोटिया, सतीश गहलोत, देवेंद्र यादव, अनूप सिंह उपाध्यक्ष, सचिव पद पर लक्ष्मण सिंह, सह सचिव पद पर नंद किशोर सोनी, प्रताप चंद, गौतम सोलंकी संगठन मंत्री, सुरेश भट्ट सह संगठन मंत्री, मनमोहन गुगरवाल प्रचार मंत्री, जयमाला गुप्ता महिला मंत्री, प्रशांत सरावगी कोषाध्यक्ष, प्रदीप जैन सह कोषाध्यक्ष, धर्मराज चावड़िया सांस्कृतिक मंत्री, कुलदीप शर्मा मीडिया मंत्री आदि को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रेम फुलवारी, योगेश कुमार, ललित कुमार शर्मा को विधि सहायक पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं राजेंद्र सिंह को जवाजा, भूपेंद्र सिंह को मसूदा ब्लॉक के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के संरक्षक बालकिशन मित्तल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग का केंद्र के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को पूर्ण लाभ नहीं देकर कर्मचारियों के हकों पर कुठाराघात किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, जिला मंत्री केदार सिंह, घीसूलाल सोनी, मोतीलाल चोरोटिया, रोशन लाल बंका, रमेश मनोहर मसंदानी आदि उपस्थित थे। शहर के सूरजपुर गेट बाहर विजयनगर रोड मुक्ति धाम स्थित भैरव मंदिर में श्री भैरव भक्त मंडल की ओर से रविवार को भैरव भोग महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में भैरव भक्तों ने भाग लेकर महोत्सव को भव्य बना दिया। इस अवसर पर भगवान भैरवनाथ का तेलाभिषेक कर हवन में आहुतियां दी गई, साथ ही भैरवनाथ के 56 भोग की झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भैरव भगवान के सजाई गई 56 भोग की झांकी के दर्शन कर धर्म लाभ उठाया। महोत्सव के तहत शाम को 21,000 बत्तियों से भगवान भैरव की महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के बाद 1100 किलो के कदम भोग अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भैरव मंदिर में दिन भर भक्तों का हुजूम भगवान भैरव के दर्शनों के लिए उमड़ा रहा। महोत्सव के दौरान श्री भैरव भक्त मंडल के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। शहर के सेदिया स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में शनिवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। सूचना मिलने पर गोदाम मालिक भी मौके पर पहुंच गया। जानकारी मिलने पर दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन देर रात तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार सेदिया स्थित दयालदास कबाड़ी के गोदाम में शनिवार रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकलें, फायरमैन की टीम के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। देर रात तक दमकल की 3 गाड़ियां 7 फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। गोदाम संचालक ने बताया कि आग से लाखों का नुकसान हो गया है। कबाड़ी के गोदाम में आग के कारण प्लास्टिक के सामान समेत कागज और अखबार की रद्दी जलने लगी, जिसमें लगी आग को बुझाने पर नीचे से फिर से वापस आग पकड़ रही थी, जिस कारण मौके पर जेसीबी बुलवानी पड़ी। जेसीबी की मदद से कबाड़ को फैलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग बुझाने में स्थानीय लोगों का प्रयास भी सराहनीय रहा। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अजमेर टेलर्स ब्यावर शहर में विमल शूटिंग शर्टिंग के एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर्स, अजमेर टेलर्स, जय भोले की दुकान, सूट स्पेशलिस्ट, विमल कंपनी के ब्रांडेड सूट सिलवाइए मात्र 2500 रुपए में कपड़े व सिलाई सहित, साथ ही पैंट शर्ट की शानदार सिलाई कुशल व दक्ष कारीगरों द्वारा। विमल शूटिंग शर्टिंग के आलीशान कपड़ों की विशाल रेंज बेहद किफायती दाम में, तो बनाइए हर पल को यादगार, चले आइए।
अजमेर टेलर श्री बालाजी टावर जोधपुर बस स्टैंड के सामने चांद गेट के बाहर। मोबाइल नंबर 9214072153। थाना मारी सोगन है था तू सूट जाए बोले से सिलाई जो और मैं तो जा रही हूँ ब्याह में। अरे आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं? कभी कभी रिश्तों को भी तवज्जो देनी पड़ती है। कमाल के लोग। अरे वो चौहान कॉलोनी के प्लॉट का क्या हुआ? साहब पैसे बहुत मांग रहा है। चल साहब क्या था? अरे अरे कहाँ गुस्सा आ रहा है, ये कौन है भाई? सर ये बाहर हंगामा करना था भैया। नशा नाश की जड़ है, समझ गया? शराब पीने से पैसे भी खराब होंगे और जिंदगी भी बर्बाद होगी। क्यों पीता शराब? कम पढ़ा लिखा हूँ, मध्य दौर में कोई काम देता है नहीं, अब आप बताओ क्या। अरे भाई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पूंजी लगाकर ही बड़ा व्यापार करें, रोज कमा खाने वाली बात कर। अरे भाई कम पढ़े लिखे हो तो आज ही चले जाओ पार्श्वनाथ ऑटो। हाँ और वहां से ले आओ एपीआई ऑटो, सवारी और लोडिंग। हाँ खूब चलाओ, खूब कमाओ। अरे भाई जिनके दिन मजदूरों की तरह बीतते हैं उनकी रात बादशाहों जैसे गुजरती है। पार्श्वनाथ ऑटो की पेशकश एपीआई थ्री व्हीलर्स, साल 2016 में और वैदिक सुविधाओं व बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ एपीआई कर शक्ति ऑटो लोडिंग व सवारी टेम्पो। एपीआई ऑटो 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, मजबूत चेसिस, दमदार बॉडी, शानदार पिकअप, कंपनी द्वारा अत्याधुनिक एक्सेसरीज फिटिंग, अनेक रंगों व मॉडल में उपलब्ध, वाहन एक्सचेंज व फाइनेंस की आसान सुविधा। किसी भी कंपनी का पुराना टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर लाइए और अधिकतम मूल्य पर ले जाइए एपीआई ऑटो। तो संपर्क कीजिए पार्श्वनाथ ऑटो, देलवाड़ा रोड, ब्यावर, 9992806708, अजमेर का पता है पर्वतपुरा बाईपास, नेशनल ट्रैक्टर के पास, अजमेर। सर जी मैं भी एपीआई ऑटो लिया है, कम लागत में भरपूर मुनाफा, एपीआई ऑटो। You join me in the beautiful and mystical state of Rajasthan with Honda's latest offering in the 100cc scooter segment, the Click. मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, no confusion. That's the नई generation वाली Activa 4G. आपके शहर में होंडा ब्रांड टू व्हीलर्स के एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर राजेंद्र ऑटोमोबाइल्स। राजेंद्र होंडा के शोरूम से लीजिए शानदार मोटरसाइकिल, स्कूटर आकर्षक रंगों व फीचर्स में, दमदार इंजन, शानदार माइलेज, एचईटी जापानी टेक्नोलॉजी से बने बेहतरीन टू व्हीलर्स जो बना दे आपके हर सफर को यादगार, पूरे परिवार की पहली पसंद। होंडा सिटी डीलर्स, होंडा शाइन, होंडा लीवा, एक्टिवा 125 और भी होंडा के बहुत से प्रोडक्ट्स जो बना दे आपके हर दिन को खुशगवार, बेहद आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही चली आइए राजेंद्र होंडा के शोरूम राजेंद्र ऑटोमोबाइल्स, आईओसी कॉलोनी के सामने, जोधपुर रोड, ब्यावर, 0164-224-881-94-140-092-53। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड की ओर से रविवार को पाली बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में दीपावली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रातः 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रीनाथ भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जाकर भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए राम राम सा की। कार्यक्रम में श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड अध्यक्ष सत्यनारायण हेड़ा, मंत्री दिलीप जाट, श्री माहेश्वरी महिला परिषद अध्यक्ष मंजू तापड़िया, मंत्री कुसुम मालू तथा श्री माहेश्वरी सेवा संगठन के अध्यक्ष प्रकाश बुद्रा तथा मंत्री अमित बुद्रा सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित थे।
शहर के चांगदार रोड स्थित गहलोत कॉलोनी रेलवे ब्रिज पर सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहां से गुजरने वाले लोगों ने मृतक की पहचान संजय नगर निवासी 20 वर्षीय दाऊद पुत्र गनी खान के रूप में की। क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया तथा परिजनों को इतला कर अस्पताल बुलवाया। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवा कर लाश परिजनों के सुपुर्द की। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर युवक के शव के टुकड़े अलग अलग स्थानों से मिले हैं। जानकारी मिली है कि युवक का एक हाथ अभी भी नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हादसा रविवार रात का है। दुर्घटना किस रेल से हुई है उसकी पुख्ता जानकारी भी अभी तक नहीं मिल पाई है। जवाचा थाना अंतर्गत ग्राम जेतगढ़ बामणिया से सोमवार सुबह एक 5 वर्षीय बालक की गर्दन लोहे की संदूक के ढक्कन में दब गई, जिससे बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार जेतगढ़ बामणिया निवासी उमेश सिंह के घर में सोमवार को महिलाएं लोहे के संदूक को खोलकर रजाई आदि को धूप में सुखाने का काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां खेल रहा उमेश सिंह का 5 वर्षीय पुत्र प्रेम सिंह संदूक के पास खड़ा हो गया। इस दौरान वह संदूक में झांकने का प्रयास कर रहा था कि उसका ढक्कन तेजी से नीचे गिरा, जिससे बालक की गर्दन बुरी तरह से दब गई। बालक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने पर परिजनों ने भागकर ढक्कन को ऊपर करते हुए उसे निकाला तथा उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया। जीवाला थाना क्षेत्र के बलई गांव में रविवार को एक मोबाइल टावर के इलेक्ट्रिक कक्ष में काम करने के दौरान एक इलेक्ट्रीशियन करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसी हुई अवस्था में इलेक्ट्रीशियन को ग्रामीणों की सहायता से उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार जैसाखेड़ा निवासी जय सिंह पुत्र गुलाब सिंह एक मोबाइल कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात है। बताया जा रहा है कि जय सिंह रविवार को बलई गांव में लगे टावर में आई विद्युत खामी को दुरुस्त करने पहुंचा। वह तारों को सुधार रहा था कि उसे दौरान तारों में अर्थ हो गया, जिस कारण विद्युत करंट प्रभावित हो गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की जानकारी वहीं पर काम कर साथ रहे साथी कर्मचारी को लगने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचा तथा ग्रामीणों की सहायता से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि जय सिंह 30% से अधिक झुलस गया। ग्राम पंचायत बलाड़ के गांव गढ़ी थोरियान में सोमवार दोपहर को एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग की घटना में करीब 1,00,000 रुपए कीमत का बाड़ा ट्रोली चारा व चारे की कट्टी जलकर राख हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग के दमकलों ने ग्रामीणों व जेसीबी मशीन की सहायता से आग पर काबू पाया। आग की घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। जानकारी के अनुसार गढ़ी थोरियान निवासी खेम सिंह पुत्र बाबू सिंह महाराज के बाड़े में सोमवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर एकत्रित हुए तथा आग को बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पर विभाग की दमकलों ने 3 फेरे कर आग पर काबू पाया। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा द्वितीय दिवस पर सोमवार को संत श्री अमृतराम महाराज ने श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का रसपान करवाते हुए राम नाम का महत्व विविध उदाहरणों से स्पष्ट किया। महाराज ने बताया कि राम नाम को पकड़ लिया तो नाम ही स्वयं वश में हो जाता है। राम नाम हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों में छत्र रूप में आता है। उन्होंने बताया कि राम नाम के प्रमाण से ही भगवान शिव विषपान करके भी अमर होकर नीलकंठ कहलाए। बीज का उदाहरण देते हुए संत ने बताया कि जैसे जमीन में बीज उल्टा सीधा कैसे भी पड़े उगता अवश्य है, वैसे ही राम नाम को उल्टा सीधा चाहे जैसे चाहे जहां चाहे कहीं भी कभी भी भजो, हर हाल में फलदायी होता है। तथा उन्होंने बताया जैसे आयुर्वेद में वात पित्त एवं कफ 3 दोष बताए हैं, वैसे ही मानव शरीर में कफ रूप लोभ, पित्त रूप क्रोध एवं वायु रूप काम विद्यमान रहता है। इसका शमन राम नाम की औषधि से ही किया जा सकता है। संत समाज का महत्व बताते हुए उन्होंने साधु के चरण कमल के फूल है जो उसका चरित्र कपास का फूल है, जो स्वयं छिन्न भिन्न होकर
कपड़ा बुन बन कर मनुष्य का शरीर ढक कर इज्जत बचाता है। महाराज श्री ने कहा कि भगवान हमारे आराध्य है, हमें प्रतिदिन प्रातः स्नान करके अपने इष्ट का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो करेगा पाठ उसके होंगे ठाट। इसके बाद पंडित खेमराज शर्मा के सानिध्य में दीपक खंडेलवाल, हनुमान सेनी, नैनूराम साहू, अजय साहू एवं मोतीलाल मेवाड़ा ने सपत्नीक सर्वदेव पूजन किया। कथा के दौरान रमेश शर्मा, भगत राम सोमानी, गोविंद बिहानी, मुकुट गोयल तथा गोपाल हीरा सहित शहर के गणमान्य नागरिक तथा महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। अभिभाषक संघ ब्यावर का दीपावली स्नेह मिलन समारोह सोमवार शाम को बार रूम में किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभाषक संघ ब्यावर के सदस्यों तथा न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह में उपस्थित सभी अभिभाषकों तथा न्यायिक अधिकारियों ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में न्यायिक अधिकारी श्रीमती स्नेहलता जाखड़ा ने अपने विचार रखते हुए दीपावली पर्व का महत्व बताया। इस दौरान अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पंवार, संजय नाहर तथा श्रीराज चौहान ने भी अपने विचार रखे। इसने मिलन समारोह के दौरान न्यायिक अधिकारी श्रीमती इंदु पारिक, गणपत राम बिश्टोई, श्रीमती सरिता धाकड़, राहुल चौधरी, नम्रता पारिक, स्नेहलता जाखड़, अधिवक्तागण रामपाल कुमावत, महेंद्र सिंह हुड़ा, नंदकिशोर लहवासिया, डी डी राठौड़, ज्ञानचंद गादिया, सूर्यकांत चौधरी, दिलीप सिंह गौरा, रामस्वरूप सेवलिया तथा पवन जिनगर सहित अन्य अभिभाषक संगण उपस्थित थे। श्री दादी समाज ब्यावर की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देलवाड़ा रोड स्थित दादी समाज भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता कृष्ण गोपाल रणवा ने की। अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि समारोह में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समाज के सुनील व्यास ने अपने संबोधन में समाज को प्रगतिशील बताते हुए रूपरेखा तैयार कर क्रियान्विति करने का सुझाव दिया। इसी क्रम में ओम प्रकाश दादीश ने समाज की एकता व उद्देश्यों पूर्ति के लिए एकजुट होकर काम करने पर बल दिया। समारोह के दौरान कैलाश मिश्रा, ओम प्रकाश दादीच, रमेश रिणवा, पीडी मिश्रा, आशुतोष मांडोलिया, रमेश चंद शर्मा, श्रीमती ललिता सहित अन्य उपस्थित थे। अंत में सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। माता पिता पर पुत्री का जबरन गर्भपात करवाने का आरोप, विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों ने कराया मामला दर्ज। एसडी कॉलेज के स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलने से मची अफरा तफरी, अजमेर पुलिस कंट्रोल रूम में भी मचा हड़कंप। भाजपा के दंड सहित प्रक्रिया में बदलाव के कानून को दी काले कानून की संज्ञा, कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिया राज्यपाल के नाम ज्ञापन। और दीपावली पर्व के बाद शहर में शुरू हुआ स्नेह मिलन समारोह का दौर, विभिन्न संगठनों व समाजों की ओर से मनाया गया स्नेह मिलन।